हेलो स्टूडेंट, बातों को सुनिए और समझिए। हम लोगों ने क्लास ट्वेल्थ के अध्याय एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी लेना शुरू किए। सेकंड यूनिट जिसमें हम लोगों ने जाना कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इन सब से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लिया। इसके बाद हम लोगों ने इस अध्याय में किसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में जानकारी। इसके बाद फिर हम लोगों ने अध्याय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में भी जानकारी लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें उसके बाद तो हम लोगों ने जानकारी लिया और किसके बारे में जानकारी ली है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर के बारे में, किसी यौगिक की संरचना हम लोग बनाते कैसे, किसी यौगिक की संरचना हम लोग बनाते कैसे हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी ले लिए। आज इस अध्याय में और आगे के बातों की जानकारी हम लोगों को लेना है, जिसके लिए आप लोग हेडिंग लिखिएगा खनिज। हेडिंग क्या लिखना आप लोगों को, खनिज। हेडिंग लिखिए खनिज। उसके बाद फिर अब बात सुनिए कि खनिज किसे कहते हैं। बासन खनिज क्या होते हैं कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से, भू प्रॉपर्टी में अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। लिखे इसके अंतर्गत भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा अयस्क। हेडिंग लिखे अयस्क। अब बात सुनिए अयस्क किसे कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण, बात समझिए अयस्क किसे कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता हो और वे आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं। जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है और वे कैसे होते हैं, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं, अयस्क कहना, क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। लिखिएगा इसके अंतर्गत वे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो और वे आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं अयस्क
अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। अब फिर बातें सुनिए कि अयस्क की बात हो गई ना, कि भूपर्पटी की अगर बात किया जाए तो भूपर्पटी का 80% भाग नौ तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उसमें भी अगर ऐसे बात करें कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन का होता है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन होता है, 49.% होता है। या इसी बात को ऐसे पूछें कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अधातु पाई जाती है तो क्या होगी? ऑक्सीजन। क्वेश्चन बदल के कैसे पूछ सकते हैं कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है तो क्या होगी? एल्यूमिनियम धातु। कौन सी धातु होती है? एल्यूमिनियम धातु होती है। इसके अलावा भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी उपधातु होती है तो वो कौन सी होती है? सिलिकॉन। किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। ये तीन बातें होती हैं कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। अगर कहा जाए सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अधातु, नॉन मेटल्स, तो भी क्या होगा? ऑक्सीजन। कहा जाए भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मेटल पाई जाती है? एल्यूमिनियम। और कौन सी मेटलॉइड्स होते हैं वो क्या होती है? सिलिकॉन होती हैं। इसी बात को आप लोग पॉइंट बना करके लिख लीजिए। भूपर्पटी मतलब कि अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु बराबर एल्यूमिनियम। फिर पॉइंट बना के लिखिएगा भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु ऑक्सीजन। अधातु बराबर ऑक्सीजन। फिर एक पॉइंट बना के लिखिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु बराबर सिलिकॉन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट अब आप लोग हेडिंग लिखिएगा धातुओं के प्रकार। हेडिंग है धातुओं के प्रकार। धातुओं के प्रकार की अगर बात किया जाए तो बातें सुनिएगा कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु जो होती है इसे तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वो तीन वर्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, और कैसी होती हैं
मध्यम अभिक्रियाशील धातु में होती हैं। तो इसमें हेडिंग सबसे पहले आप लोग लिखिए धातुओं के प्रकार, हेडिंग लिखिए धातुओं के प्रकार, इसके अंतर्गत लिखिए अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को, के आधार पर धातुओं को तीन वर्गों में, धातुओं को तीन वर्गों में विभाजित, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर एक की हेडिंग लिखिए निम्न अभिक्रियाशील धातु में, नंबर एक की हेडिंग लिखिएगा निम्न अभिक्रियाशील धातु में निम्न अभिक्रियाशील धातु में, जैसे बात सुने निम्न अभिक्रियाशील धातु में क्या होते हैं, कुछ धातु की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, कुछ धातु की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए ये कहाँ पाई जाती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। लिखिएगा कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता, यह अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, यह अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए ये स्वतंत्र अवस्था में, इसीलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा गोल्ड कामा सिल्वर, एग्जाम्पल में लिखिए गोल्ड कामा सिल्वर कामा प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम कामा कापर, कामा कापर ईटीसी, फिर पॉइंट बना के लिखिए। देखिए गोल्ड और कॉपर क्या होते हैं ना, ये कभी कभी अपने ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। पॉइंट बना के लिखिए सिल्वर और कॉपर अपने ऑक्साइड या सल्फाइड अयस्क के रूप में भी, ऑक्साइड या सल्फाइड अयस्क के रूप में भी पाई जाती हैं, के रूप में भी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख लीजिएगा Ag2S कामा Cu2O, Ag2S कामा Cu2O, नेक्स्ट अब हेडिंग लिखिएगा उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, उच्च अभिक्रियाशील धातु, बातें सुनिए, कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है,
कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, इसीलिए ये संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। कुछ धातु होती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होगी तो जाहिर सी बात है कहाँ पाए जाएंगे, मुक्त अवस्था में लिखेगा। कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में लिखिए सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, देखिए इसी बेस पे क्वेश्चन की बात होती है। क्वेश्चन की क्या बातें होती हैं कि सोडियम और पोटेशियम मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? या ऐसे कह सकते हैं कि क्षार धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, क्यों? तो क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि क्षार धातुओं की अभिक्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। हेडिंग अब लिखिएगा मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। हेडिंग है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। अब आप सुनो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कैसे कहते हैं, तो क्या होगा कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसके मध्य में जो धातु स्थित होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। यही हेडिंग डाल करके आप लोगों को छोड़ देना होगा। इसके बाद अभी इस अध्याय में थोड़ी बहुत बातें हम लोगों को और जानकारी लेना होगा, दिन अध्याय की बातें समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज ही पे अपने बातों की हम समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।